सभापति महोदय, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के फंक्शनिंग के चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग जैसे एमएसएमई या देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं और कहा जाए तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ भी यही हैं। चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सर्वोदय भारत की बात हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की संकल्पना की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सबके साथ सबका विकास की बात हो, ये इसका लक्ष्य केवल और केवल एमएसएमई को मजबूत करने के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया है, उसको भी अगर हम प्राप्त करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा अगर कोई योगदान होगा तो एमएसएमई सेक्टर का ही होगा। प्लीज प्लीज मेंबर्स, वी आर नॉट सपोज्ड टू गिवन। सभापति महोदय, सेक्रेटरी आल्सो ड्यूरिंग द अगर रीजनल इंबैलेंसेस को दूर करना है, संतुलित विकास, डोंट एंटरटेन एनी मेंबर विदाउट माय परमिशन, प्लीज गो टू योर सीट, योर हाउस इज फंक्शनिंग, वन मेंबर इज स्पीकिंग, अदर मेंबर विल बी स्पीकिंग, प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट बिफोर द सेशन स्टार्ट्स और आफ्टर द सेशन, you can definitely approach the office or you can approach the chairman also. I don't want to encourage this practice because it is disturbing the attention. Please, sabhapati mahoday, try to understand, agar sabhi kshetron ka vikas karne ki baat ho, agar regional imbalances ko dur karne ka baat ho aur sabhi vargon ko vikas karne agar karne ki sankalp ho to wah bhi agar msme ke madhyam se hi wah ho sakta hai. Iske मजबूती के लिए मुख्य रूप से तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक इनोवेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है फाइनेंस। लगातार कंटिन्यूस इनोवेशन हो, उसके साथ साथ टेक्निकल अपग्रेडेशन और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और उसके साथ साथ नीड बेस्ड फंड की अवेलेबिलिटी हो, तो उसके माध्यम से यह सेक्टर में काफ़ी अच्छा इस सेक्टर का विकास हो सकता है। पहले की सरकारें इस सेक्टर को इग्नोर कर करके चल रही थी। 70 सालों में इस सेक्टर का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ। जो घोषणाएं भी होती थी वो पीस मिल में होती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कुछ। प्रधानमंत्री जी ने एक होलिस्टिक अप्रोच लिया, होलिस्टिक व्यू लिया और इस सेक्टर के लिए 12 बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की और उस घोषणाओं के माध्यम से यह सेक्टर में निरंतर प्रगति हो रही है और यह सेक्टर मजबूत हो रहा है। यूके सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट में 37 मेजर रिकमेंडेशन दिए और उसके रिकमेंडेशन के बाद मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने बैठक की और उसके बाद पोर्टल चालू हुआ और जो भी रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन में तेज गति से काम हो रहा है। आज 6000 से अधिक वस्तुएं इस एमएसएमई के माध्यम से आज चाहे प्रोडक्शन हो रहा हो या सेल हो रहा हो, जीडीपी में इस सेक्टर का 29% योगदान है और आने वाले समय में 50% का लक्ष्य इसके लिए रखा गया है। कृषि के बाद अगर सबसे अधिक रोजगार देने वाला कोई सेक्टर है तो यह सेक्टर है। 11.1 लाख इस सेक्टर के माध्यम से लोगों को रोजगार स्वरोजगार मिल रहा है और 15 करोड़ रोजगार देने का यह लक्ष्य रखा गया है। निर्यात में भी इस सेक्टर का 45% योगदान है। जीएसटी को लागू करना है बहुत एक ऐतिहासिक कदम था। आज एमएसएमई सेक्टर में 1 करोड़ से अधिक यूनिटें आज जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो गई हैं। यह फॉर्मल इकोनॉमी को यह बढ़ावा देने का काम यह जीएसटी ने काम किया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वावलंबी भारत की कल्पना की थी। आज जब कोरोना है तो चारों ओर हम देख रहे हैं किस ओर से किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। एक देश के वस्तु दूसरे देश में नहीं जा रही, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरी तरीके से बंद है, फ्लाइटें एक देश से दूसरे देश में नहीं जा रही है और भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है जनसंख्या के मामले में, है कंजम्पशन के अपार संभावना है। उस को ध्यान में रखते हुए यह सबसे बहुत जरूरी है कि इस सेक्टर को में अधिक बढ़ावा दिया जाए, इसको मजबूत किया जाए हर दृष्टि से और तभी स्वावलंबी भारत बन सकता है। हर देश की अलग अलग अपनी अपनी इकोनॉमिक मॉडल हो सकती है वहाँ की रिक्वायरमेंट के अनुसार, वहाँ की आवश्यकता के अनुसार। हमारे देश की अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्वायरमेंट अपनी इकोनॉमिक मॉडल में
एमएसएमई को बढ़ावा सबसे बड़ा मैं समझता हूं इस मॉडल में सबसे अधिक प्राथमिकता सरकार दे रही है और अच्छा भी है। इस देश में मास प्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है बल्कि प्रोडक्शन बाय मासेस की आवश्यकता है, अधिक से अधिक लोग प्रोडक्शन में लगे इसलिए यहाँ पे आवश्यकता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में देख करके मैं केंद्र सरकार को बधाई देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कि यह जो बजट इस बार प्रस्तुत हुआ है उस बजट में 7,572 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक फंड एलोकेशन इस बार सरकार ने किया है। कर्ज की उपलब्धता हो, नीड बेस्ड फंड अवेलेबल होना चाहिए सेक्टर को, उसके लिए एक पोर्टल जारी हुआ, क्योंकि जो एमएसएमई सेक्टर बेचारे उनके पास प्रोफेशनल्स होते नहीं, कहाँ जाएं, कैसे कर्ज लें। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 59 मिनट के अंदर, एक घंटे से कम समय, 59 मिनट के अंदर लोगों को लोन दिया जाएगा। वह पोर्टल चालू हुआ और देखते देखते 1,87,329 लोगों को यह लोन की अप्रूवल हुई और लोन दिया जा चुका। आज 10 लाख के लोन के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है और यह इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई इसमें योगदान है तो यूपीए सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण। जब अटल जी की सरकार थी तो उसमें 8-9% का ब्याज हुआ करता था, यूपीए के समय 15-16% का इंटरेस्ट रेट चला गया और एमएसएमई सेक्टर को इंटरेस्ट का लाभ मिल, थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। उसके बारे में सरकार ने एक निर्णय लिया नवंबर में कि 2% का इंटरेस्ट सब्सिडी देने का काम मोदी सरकार ने काम किया है। इसके अलावा जो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में भी पहले 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी होती थी, अब 5% का उसमें देने का काम, बढ़ाने का काम यह सरकार ने किया है। ट्रेड रिसीवेबल की डिस्काउंटिंग हो, वह बैंक से उसके लिए लोन मिल सके, इसके लिए भी 500 करोड़ से जो अधिक यूनिट हैं उनको भी यह लोन ट्रेड उनके बिल से डिस्काउंट होंगे। फाइनेंशियल जो रिस्ट्रक्चरिंग जिसका अवधि 30 मार्च तक समाप्त हो रहा था उसको वित्त मंत्री जी ने 31 मार्च 2021 तक कर दिया, इससे बहुत सारे एमएसएमई को इससे इसके अंतर्गत लाभ मिलेगा और अधिक इसको आगे बढ़ाने की हमको लगता है धीरे धीरे आवश्यकता पड़ेगी। बिना गारंटी के इस सेक्टर को लोन नहीं मिलता था और बहुत सारे एमएसएमई होते थे जिनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती थी। इस सरकार ने चिंता किया, मिनिस्ट्री ने चिंता किया, इसलिए इसके लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का स्थापना की है 2017 में और 2,500 करोड़ रुपए इसमें कॉर्पस के माध्यम से जो रखा गया था उसको धीरे धीरे बढ़ा के 7,500 इसको किया गया और आज जो 2 करोड़ रुपए तक बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोग ले सकते हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आंकड़े ऐसे हैं कि चौंकाने वाले आंकड़े, 38.77 लाख के लोन अप्रूव हो चुके हैं और 2.03 लाख करोड़ के जो लोन है इसके माध्यम से बिना गारंटी के, इस फंड के गारंटी के माध्यम से जो लोन अप्रूव हुए हैं, ये बहुत ही बड़ी सफलता रही है और इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जेम की स्थापना, जेम के माध्यम से जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सामान खरीदते हैं उनके लिए बाध्य किया गया है। सरकार ने, मोदी सरकार ने निर्णय किया कि पहले 20% का जो सामान होता था 20% तक अपने प्रोक्योरमेंट वो जेम के माध्यम से अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्रोक्योर करेंगे, उसको 25% बढ़ाने का काम किया। इसके साथ साथ महिलाएं भी उद्यमी हो उनको भी प्रमोशन मिले, महिला सशक्तिकरण हो, उसके लिए 3% कम से कम जो महिला जो प्रोडक्ट जो यूनिट चला रही हैं, जो इंटरप्राइज कर रही हैं, 3% अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जेम के माध्यम से सामान प्रोक्योर करेगा तो वह महिला उद्यमियों के माध्यम से ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसको लेंगे। खादी हमारे गौरवपूर्ण विरासत का विरासत है और खादी को बढ़ावा देने के लिए आज खादी फैशन भी बन चुका है। यूनिक एचएस एक कोड की स्थापना हुई है जिससे कि पूरे के पूरे विश्व भर में खादी वहां पहुंचे और खादी के अच्छे दाम मिले और लोगों को उसका लाभ धीरे धीरे मिले। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आज जो एसएमई सेक्टर होते हैं वह इतने छोटे छोटे होते हैं, अगर उनको स्टोरेज करना हो, टेक्नोलॉजी का यूज करना हो, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी हो तो वो अकेले कर नहीं सकते। इसके लिए सरकार ने स्फूर्ति एक स्कीम लिया है, उस स्फूर्ति के अंतर्गत जो
आप रॉ मटेरियल बैंक बना सक पहले क्लस्टर बनाएंगे, उन क्लस्टर में 500 लोगों से अधिक और उसके अलावा अधिक अगर होंगे तो वो मेजर क्लस्टर कहे जाएंगे। एक क्लस्टर के माध्यम से ढेर सारे जो हमारे परंपरागत या कारीगर हो इकट्ठे हो सकते हैं और इकट्ठे हो करके वह अपना जो है एक समूह बना करके अपने ब्रांड को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, रॉ मटेरियल बैंक का उपयोग कर सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं और अपने अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, उससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। और यही सरकार की संवेदना देखिए कि पहले 125 करोड़ का बजट था, 5 गुना बढ़ा करके 465 करोड़ करने का काम मोदी सरकार ने इसके लिए किया है। 100 नए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, 84 प्रपोजल आ चुके हैं, इसके माध्यम से इस सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ क्रेडिट लिंक सब्सिडी जो अपना यह भी स्कीम सरकार ने ले आई है कि जो नए उद्यमी हैं, हमारे युवा हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे विश्व में सबसे अधिक टैलेंटेड कहीं यूथ है तो भारत में ही है। 1991 के बाद में हमने देखा था जिस प्रकार से आईटी सेक्टर पे बूम हुआ और भारत के बारे में, युवाओं के बारे में छवि में विश्व भर में जो पहले हुआ करती थी वह छवि बदली। भारत के लोगों को देख करके विश्व के लोग कहते थे अरे यह तो भारत का है, इसका मतलब टैलेंटेड होगा। भारत में सबसे अधिक टैलेंटेड विश्व में कहीं लोग हैं तो भारत के युवा टैलेंटेड हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर कई प्रोजेक्ट्स लगाओ, उसके लिए 20 लाख रुपए तक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए अनुदान और 10 लाख रुपए अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर के लिए अगर कोई अपना योजना लगाता है, अपना यूनिट लगाता है तो उसके लाभ देने का काम यह सरकार ने किया है। और देखते देखते 2.67 नए यूनिट लग गए, इसलिए मैं मंत्री जी को इसके लिए बधाई भी देता हूँ, इतना अच्छा काम हुआ है। युवाओं को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग मिले और टेक्नोलॉजी सीखे, क्योंकि एमएसएमईज का सबसे बड़ा यही। अरुण सिंह जी, हाउस विल कंटिन्यू एंड वी हैव टू कंप्लीट एटलीस्ट हाफ ऑफ द डिस्कशन टुडे, नॉट फुली। हाउ मच टाइम? यू हैव योर ओन टाइम, गो अहेड। नो नो, माय यू नो एवरीडे इज, दैट्स व्हाई इंटरवेंट मिस्टर भट्टाचार्य, 6 o'clock एवरीडे, इट्स 6 up to 6 o'clock। वी हैव so much agenda. We are discussing demand for grants where members can scrutinize, discuss and give suggestions. We must be able to sit for a longer time also. So let us sit up to 8 o'clock, take half of the business today, remaining part of it tomorrow. There are two more. We are parliament, we are all seniors and bahar jaake bhi kuch karna bhi nahi hai. Bahar jaake hai, aajkal jo paristhiti hai उसमें कुछ करना नहीं है, ना माल, ना मीटिंग, ना बाहर ईटिंग, सब में कुछ ये नहीं है, इसलिए कोई नहीं जाता भी है। अच्छा है, सो इसलिए यहाँ बैठना और बिल के साथ और विषय के साथ न्याय करना ही कंटिन्यू। सभापति महोदय, बहुत बहुत आपका आभार। में टाइम वॉज गिवन 4 o'clock, 4 hours yesterday, बट वी स्पेंड 4 hour 54 minutes बिकॉज वी सेट अप टू 8, प्लीज। माननीय, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, प्लीज। मानवर, यू आर अ वेरी सीनियर मैन, यू हैव पेशेंस, प्लीज। जैसे मैंने कहा कि एंड इफ समबडी इज हैविंग अर्जेंट वर्क आउटसाइड, दे हैव माय परमिशन, दे कैन गो, आई डोंट माइंड इट। देश भर में, हमारे देश में टैलेंटेड युवाओं की कमी नहीं है। हम लोग भी गांव से आते हैं, हमने देखा है कि गांव में जिस प्रकार का हुनर है, जिस प्रकार का टैलेंट है, मेहनती युवा है, वैसा विश्व भर में कहीं नहीं है। उनको एक स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट की उनको ट्रेनिंग दी जाए, इसके लिए सरकार ने कुल मिलाकर 18 टेक्नोलॉजी सेंटर को जो फंक्शनल किया है, जिसमें युवा ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, और 15 टेक्निकल सेंटर और इस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिसके माध्यम से लाखों युवा इसको ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और 200 करोड़ रुपये इसके लिए सरकार ने आवंटन भी किया है और युवा इसके माध्यम से और ट्रेनिंग करके अपना स्वरोजगार करेंगी। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने 5 सितंबर 2019 को ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी का एक शुभारंभ किया था, CLSU, क्योंकि हमको मालूम है कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या जो नए यूनिट हैं उनमें टेक्नोलॉजी की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर हमको कम्पीट करना है तो इनोवेशन के साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से
प्रोडक्शन भी प्रोडक्टिविटी भी इफिशियंट होगी और जो उसके मार्केटिंग में जो ब्रांड जो हम बनाएंगे उस ब्रांड पे भी हम सुधार ले आ सकते हैं। उसके लिए आपने जो 1 करोड़ रुपए तक का 1 करोड़ रुपए तक अगर कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करता है चाहे एग्जिस्टिंग हो चाहे नया हो उसको 5-10% नहीं 15% उसको सब्सिडी देने का घोषणा माननीय मंत्री जी ने किया। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2019 को किया। इसके माध्यम से 11 बैंक काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आ रहा है। 39,859 यूनिट को इसका लाभ अभी तक मिल चुका है। इसके अलावा सभापति महोदय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी 800 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उसके लिए मिनिस्ट्री के बजट में देख रहा था इस सेक्टर के लिए अपना डाटा स्टोर करना कहाँ करे कैसे करे बहुत कॉस्टली होता था। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट से एक एग्रीमेंट हुआ और डाटा क्लाउड के माध्यम से अब एसएमई सेक्टर अपने जो डाटा है वो क्लाउड में रखेंगे। 80% एसएमई को इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। वो अपना एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट जगह पे देख सकते हैं, जो परचेजर है उसको भी प्रोडक्ट को देख सकता है और काफ़ी इससे अधिक इस सेक्टर को अच्छा लाभ मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्र को भी इसके माध्यम से हम उनके आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित कर सकते हैं। 17 दिसंबर 2019 का दिन है जब हमारे माननीय मंत्री जी वहाँ पे गए, जम्मू कश्मीर में गए और जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट से इफेक्टेड जो महिलाएं थी उनके लिए उन्होंने एक खादी रुमाल की घोषणा की। खादी रुमाल की घोषणा मतलब हमारी सरकार दूर दराज जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं मिलिटेंट से इफेक्टेड उनके लिए भी चिंता की और उनके चिंता ही नहीं की, उन्होंने पेटीएम के माध्यम से कहा कि आप अपना प्रोडक्ट बनाओ और पेटीएम के साथ एग्रीमेंट हुआ। 2 करोड़ खादी का रुमाल उनके पेटीएम के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और बिकेगा। इससे बड़ा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम नहीं हो सकता। इसी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भी जो हमारे जो एसएमईज के प्रोडक्ट हैं उनको सेल्स और मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो उस पर सरकार काम कर रही है, उस पर करना भी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 150 करोड़ रुपये इस मिनिस्ट्री में रखा गया है। मिशन सोलर चरखा हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने 27 जून 2018 को मिशन सोलर चरखा का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन इकोनॉमी का लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में 50 सोलर चरखा पूरे देश भर में होंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस खादी की ब्रांडिंग इसी बात से देखिए कि जब विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं तो वह भी साबरमती में वहां जा करके वह भी चरखा काटते हैं। इससे करोड़ों लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलता है। इस सेक्टर के लिए बहुत अधिक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पहले ऑडिट कराने की जो टर्नओवर होती थी वो 1 करोड़ की सीमा पे ऑडिट कराना पड़ता था एसएमईज को। इस सरकार ने इस बजट में 1 करोड़ को 2 करोड़ नहीं किया, 1 करोड़ को 3 करोड़ नहीं किया, बल्कि 1 करोड़ की सीमा को सीधे 5 करोड़ करने का काम यह मोदी सरकार ने किया है। इंस्पेक्टर राज से हमारे एसएमईज बहुत परेशान होते थे, लेकिन इंस्पेक्टर राज में के माध्यम से अब यह किया गया कि कंप्यूटराइज ड्रॉ निकलेगा, आप जाए इंस्पेक्शन करिए और 48 आवर के अंदर आप जाकर अपनी रिपोर्ट दीजिए, एसएमईज को आप परेशान नहीं कर सकते। 18 लेबर लॉज, 10 सीनियर रेगुलेशन, इसके बहुत सारे रिटर्न्स होती थी, अब केवल 1 रिटर्न डाली जाएगी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, अगर इसकी आत्मा में देखें तो एसएमईज ही है, एमएसएमईज। अगर इसका विकास होगा तो मेक इन इंडिया की भी कल्पना पूरी होगी, डिजिटल इंडिया भी, स्टार्टअप, स्किल इंडिया भी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी सबसे अधिक अगर ध्यान दे रहे हैं तो इसी सेक्टर के लिए ध्यान दे रहे हैं। मैं मारवा इतने कहना चाहूँगा कि पहले की सरकारें जैसा मैंने कहा कि पीस मिल में सोती थी, कभी 1 स्कीम, कभी 2 स्कीम, कभी 3 स्कीम। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आई
और इसकी स्कीम के माध्यम से इस सेक्टर में अच्छा उत्थान हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, इस सेक्टर को मजबूती भी आ रही है और यह बयार ऐसी है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। मैं राष्ट्रकवि दिनकर की एक कविता के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूँगा। उन्होंने कहा था कि झांकी उस नई परिधि की जो दिख रही बहुत कुछ थोड़ी सी, छितियों के पास पड़ी पतली चमचम सोने की डोरी सी, छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है, यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा आकाश नया आने को है, आकाश नया आने को है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अरुण सिंह जी।